नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नजर डालते हैं रीवा से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों पर। तो चाक घाट के नेशनल हाईवे वन विभाग बैरियर के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ड्राइवर द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने से हुआ हादसा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो खरीदी केंद्र मागी के सामने धान का पोर्टल खोलने की मांग को लेकर किसानों का अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं अनशन स्थल पर चाकघाट नवागत थाना प्रभारी सोनू कुर्मी के अनशन खत्म करने की समझाइश कभी नहीं हुआ किसानों पर कोई असर। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तो आगामी त्योहार होली को मद्देनजर रखते हुए चाकघाट थाना प्रभारी की अगुवाई में थाना परिसर में हुई शांति कमेटी की बैठक का आयोजन। बैठक में चाकघाट थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक के साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारंभ हो गई हैं और इन्हीं परीक्षाओं के अंतर्गत त्योथर SDM MP बरार के द्वारा आकस्मिक विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें शांतिपूर्वक तरीके से संचालित हो रही थी परीक्षाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। तो SD मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल त्योथर के करीब एक शासकीय तालाब पर कुछ अराजक तत्वों ने अवैध कब्जा कर लिया है। वो तालाब के चारों ओर खुला बिजली का करंट दौड़ा रहे हैं, जिसकी चपेट में आने से गायों की मौत हो गई है और हो सकता है किसी भी वक्त बड़ा हादसा। ये थी रीवा से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।